गणेश चतुर्थी फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कलाकंद मोदक। उसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी मिल्क पाउडर, एक कटोरी मैंने ये पनीर मैंने अच्छे से मैश करके रखा है, आधा कटोरी शक्कर, शुगर पाउडर है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो थोड़ा, और ये थोड़ी सी 2 चम्मच मैंने मलाई रखी है, इसकी जगह आप दूध भी ले सकते हो, और ये ड्राई फ्रूट्स है थोड़े से कटे हुए, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, और ये इलायची पाउडर। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले क्या करना है, सभी हमें एक कढ़ाई में डाल देना है, ओके। ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर अभी नहीं डालना है, वो बाद में डालना है, गैस हमको स्लो रखना है और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये गाढ़ा हो रहा है, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम डाले हैं और इलायची पाउडर भी डाल देती हूँ। जब ये कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा ना, तब हम इसको बाहर निकालेंगे, ओके। ये देखिए, ये हो गया है, गैस बंद कर देती हूँ और इसको एक प्लेट में घी लगा के रखा है मैंने, उसमें निकाल लेती हूँ। इसको हम थोड़ा फैला देते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, ठंडा होते ही यह कड़क होने लग जाएगा, ओके। 5 मिनट इसको रेस्ट करने देते हैं। ये देखिए, ठंडा हो गया अभी, ये इसने प्लेट पे छोड़ दिया है। अब हम इसको गोल करेंगे और मोदक का शेप देंगे। ये मोदक का हम लोग शेप दे देंगे और हम लोग इसमें लाइंस के लिए चाकू से करेंगे। चाकू से हम से थोड़ा थोड़ा निशान कर देंगे और फिर हम इस पर चांदी का वर्क लगाएंगे। हम इस पर चांदी का वर्क लगाएंगे जिससे यह और सुंदर हो जाएगा। ओके, हमारा कलाकंद मोदक तैयार है। आप इसे और डेकोरेट करने के लिए बादाम लगा दे सकते हैं, फूड कलर से डेकोरेट कर देंगे। हैप्पी गणेश चतुर्थी फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने गणेश जी के लिए कलाकंद का मोदक तैयार कर लिया है। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।